डालता हूँ मैं कपड़े। कवर डालते हो भाई? बड़ी गरीब है। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। क्या ना करूँ, मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है। सुन दो बुबू, हमने जाना भी है कहीं, आज हमें बहुत सारे काम है। ऐसे नहीं उठाते, रात को तुम ऑलरेडी मेरे से लड़के सोई हो। मेरे को नहीं पता था, ऐसे तो कितनी बार मना करा, ऐसे मैं तो ड्राइवर, मेरे सर में दर्द होती है। पैर उठा लिया करो बेबी, उठ जाओ माई सोना, माई मोना, माई राज, माई मून्स एंड स्टार्स, माई खलीसी, और क्या क्या होता है जो भी है। उठ रहे, उठो, उठो ना, जाके पहले कपड़े पहनो, ठंड नहीं लग रही तुमको है? इसलिए तो रजाई में हूँ। तो गाइस, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल व्लॉग इन दिस फ्रीजिंग विंटर। बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। तो गाइस, वैसे तो ये हमारे विंडो है जिसपे ओस जमने के बाद वाइट हो जाता है, बट बाहर देखो बस बर्फ पड़ने की देरी है। बट क्या है ना, अपने को ठंड मांगता, मुझे ठंड बहुत पसंद है, इसको पसंद नहीं है, और इसी वजह से इसका ठंड में ना हमेशा मूड खराब होता है, जिसके चक्कर में झेलना मुझे पड़ता है, और इस चक्कर में इसने रात को मेरे को सुना दिया। मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, आप इतने वो इंजॉय करो, मैं फ्रेश होके आता है। मेरा कैमरा ऑन कर दूंगा जब भी तुम मेरे को डांटोगी, ताकि तुम्हारी जो गुस्सैल शक्ल है वो रिकॉर्ड हो जाए। वैसे एक बार हो चुकी है, बट दोबारा हो जाए और तुम मुझे ज्यादा कुछ बोल ना पाओ। बोलो ना, क्या हो गया? मुझे बस ये बताओ, सर्दियों के तुम्हारे कपड़े इधर पड़े हैं, तो तुम्हारी अलमारी क्यों भरी पड़ी है? डालना जब तुमने एक कपड़ा नहीं है तो। डालता हूँ मैं कपड़े। गोबर डालते हो? गोबर नहीं डालता यार, वो गोबर के कपड़े आते ही नहीं है। Is it some kind of a brand? शकल इतनी गंदी बना रखी है, थोड़ी और गंदी शकल बना लो। हाय हाय। और कैमरा चलाने की जरूरत नहीं है। अब बोलो तो, तुम्हें मैं बोलने ही नहीं दूंगा कुछ, कैमरा ऑन कर दूंगा बार बार। क्या कहना चाह रही, उसमें क्या है, क्या दिक्कत क्या है उसमें? मैं बातें नहीं करूं। बताओ ना, तुमने अभी मुझे क्यों डांटा उस टी शर्ट के चक्कर में? तुम खा लो, बता भी दो। क्या कह रही हो तुम? अभी जो तुमने 2 मिनट पहले बोला, एक्चुअली सेकंड्स पहले, उसका कलर ऐसा ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बुबू। मैं मुक्का मार दूं? मार लेना, बट उसका कलर ही ऐसा है, उसको मैं नहीं धुलवाता इसलिए। कोई कलर ऐसा नहीं, धुलेगी ना तो पता चलेगा इसलिए रंग क्या है। मैंने इसको मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो उसमें देखो कलर यही दिखाएगा तुम्हें। क्या तुमने इसको किसी से ऑर्डर किया था? कपड़े ना धोने होते हैं। वो धुला है वो 2 वीक पहले। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा, कीचड़ में लपेट के वापस क्यों नहीं रख देते? किसमें? कीचड़ में? मुझे सुनाई थी किचन में लपेट के, ये कौन सा लॉजिक है? किचन में क्या करूंगा लपेट के? तुम चुप रहो। एक तो मेरे सारे कपड़ों की माँ बहन कर रखी है तुमने, तुम ओ वाहियत इंसान, इस वाहियत इंसान से तुम्हारी शादी हुई है, वो भी धूमधाम से, विदाउट क्रैकर्स, बिकॉज वी आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाय हाय, इतनी गंदी शक्ल बनाई तुमने अभी अभी। और हंस दी अब इतनी अच्छी शक्ल। ची 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 ची। अभी क्या हो रहा है ना, मेरी जो बीवी जी है, मेरी पूरी अलमीरा की माँ बहन कर रही है, एंड यहाँ देख सकते हो पूरा फैला हुआ है। जब भी ये कुछ ऐसा करती है तो ऐसा फील होता है कि घर शिफ्टिंग हो रही है। देखो शक्ल उसकी। तो इस चीज पे मेरी बहुत डांट भी पड़ रही है, तो क्या करूं मैं शादी करके। अब तो जाके थोड़ा मौसम खुला है, अपने दिल्ली में ठंड इतनी अच्छी खासी चल रही है ना, सुबह नहाने में ऐसी फटती है, इसलिए मैं रात में नहा लेता हूँ। बहुत लोग ऐसा करते होंगे, अगर ऐसा करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर निकलूं बिना मुंह धोए।
एंड जैसे कि मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन पढ़ता ही रहता हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि फेस वॉश कौन सा यूज करते हो, बियर्ड ऑयल कौन सा यूज करते हो। बियर्ड ऑयल का तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ मैं आई बटन में डाल दूंगा। बाकी फेस वॉश मुस्टैक का ओशन फेस वॉश, इस फेस वॉश को मैं 3 वीक से यूज कर रहा हूँ एंड गाइज बिलीव मी इतना रिफ्रेशिंग है ना क्या बोलूं। 2 टाइम यूज करता हूँ, एक सुबह और एक शाम, और दिन भर की सारी थकान यूं ही मिट जाती है। एंड चूंकि अपन दोनों का प्रैंक्स वाला सीन रोज चलता ही रहता है तो थकान वैसे भी रहने वाली ही है। क्यों बेबी जी, एग्जैक्टली कुछ नहीं आता मुझे, और बिलीव मी मैंने इतने सारे फेस वॉश यूज करे हैं पर इसके जैसी फ्रेशनेस मुझे किसी फेस वॉश में नहीं मिली। क्यों वो मेरे फेस पे जनरली पिंपल्स एंड डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रहती है जिसकी तुम हमेशा कंप्लेन करती हो, इस फेस वॉश से ठीक हुआ क्या? बेटर। अब तो बीवी ने कह दिया। इस फेस वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स है ना, आई बिलीव सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो गाइस, आई रिकमेंड यू दिस पर्टिकुलर फेस वॉश फॉर योर एवरीडे लाइफस्टाइल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंजॉय। चलते बाहर, उसके बाद इसने आके कपड़े भी धोने बिकॉज इसने मुझे रात में उसी बात पे डांटा। तो गाइस अभी मैं रेडी होने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास ये सॉक्स है एंड इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बीवी जी ने क्या हरकत करी हुई। सॉक्स के अंदर एक और सॉक्स, इसके अंदर भी एक और सॉक्स होगा डेफिनेट। ओ वाओ नाइस। हाँ तो मैंने वो सॉक्स डाली, ठंड लगे थे, दूसरे ऊपर से और डाल तो निकालना भी होता है या फिर सॉक्स पूरा ऐसे खोल के इसी के अंदर छोड़ दोगी? उसी के अंदर छोड़ दे। हद हो गई यार, इनका मैं क्या करूँ? डाल लो। कहाँ डाल लो? नो। और बाय द वे मिर्जापुर देख कौन रहा है पॉज करके? ये मेरी मम्मी जी को नया नया शौक चढ़ा है मिर्जापुर देखने का। मिर्जापुर देख रही हूँ यहाँ से। क्या कोई मिरर्स लगा रखे है आपको, दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी, मेरे बच्चे मुझे देखने ही नहीं देते हैं। आप देख भी ऐसी सीरीज रही हो? पॉज करके देख। आपने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा गाड़ियां देखना। आए हाय। इसका डायरेक्टर भी शर्मा जाएगा, माता ये देख के गालियां सीख रही हैं। और ये आपकी भाभी जी आते हुए, देखो वी आर कनेक्टेड विद इंटरकॉम, उसके में भी लगा है। दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ, दिस कॉस्टेड अस अराउंड 3200 पर पीस एंड अच्छा बाइक उधर है, ये है आपकी भाभी जी की बाइक एंड चलाने ये वाली है। बट इट्स गोइंग टू बी फन, ऑल दो मुझे धक धक हो रहा है बट इट्स गोइंग टू बी फन। हाय हाय, मुंह एकदम दब गया बेचारी का हेलमेट में। हेलमेट भी तो खोलना है। देखिए अपनी भाभी जी को देखिए। ओए होए, बाइक स्टार्ट कर ली। इसकी शक्ल देखो एक बार, इसकी गाल देखो। एंड गेस व्हाट, वी आर बैक टू होम विद योर भाभी जी जो अभी हेलमेट खोल रही है। मार्केट में मैं व्लॉग किस लिए नहीं बना पाया वो है इसलिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हद से ज़्यादा। वीकडे पे इतना ट्रैफिक वो हाउ वाई दाई दो। हम लोग मार्केट किस लिए गए थे और क्या सामान लेके आए वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और मेरी माता का मिर्जापुर अभी भी चालू है। पकड़ी गई। ओहो आखिरी एपिसोड खत्म। मम्मी ने कहा ना, मतलब मम्मी ने एकदम बिंज वॉच करा है, 8-8, 9-9 एपिसोड एक ही बार में। मम्मी क्या कहना चाहोगी, संतुष्टि मिली आपके गुड्डू भैया को? फाइनली रिवेंज मिला। हाय हाय, वो क्या कहना चाहोगी तुम्हारी मम्मी की इस हरकत पे, बिंज वॉचिंग पे? मैं क्या कहूँ, मेरे से मैं नहीं करती। तुम बाइक चला के गई और तुम क्या लेकर आई? सबसे पहला तो ये कैलेंडर, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, मेरी मतलब डोमिनार इतनी 180 किलो, 184 किलो चला लेगी, खुद 50 किलो की है। ये अपने लिए पजामा लेकर आई। वी ब्रॉट दिस कैलेंडर, ग्रैब अपॉर्चुनिटी एंड लिव। मम्मी इंटरेस्टेड है और क्या क्या लाई है मेरे लिए? एप्पल, अंगूर, हेल्दी स्टफ, अपार्ट सॉक्स लेकर आई। वाह, एक ये बल्ब लेके आई अपने लैंप के लिए, सबसे अच्छी चीज शीशे पे रखने के लिए। दिस इज क्रे लाइव रोहित, दिस इज क्रिस्पी शिल्पा मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग चैनल। कितने का पड़ा ये? 200। सही है यार, मतलब ठीक है पूरे। और हम ये 400 के 2 सेट लेकर आए पेयर। कतई जहर हो रही हो, अब तुम जाओ कपड़े धो अपने हैं और बिना लड़े कपड़े धोना, ठीक है? बिना लड़े कपड़े
कपड़े के पीछे लड़ाई मत करना, जैसे रात में तुमने मेरे को डांटा, मेरे को लड़ाई बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है ना? आई बड़ी मेरे को अच्छा लग रहा है इस पे तो अभी बहुत कुछ सेट होगा, यहाँ लाइटें वाइटें लगेंगी धीरे धीरे। गाइस देखो होता है क्या, इस पे ना वो लिख दो इस पे प्रे लाइट रोहित और इधर तुम जाके कपड़े धोना रे, तुम जाके कपड़े धो। तुम कहना क्या चाहती हो, इधर आके बात करो। वो जिससे घर का सफाई होता है उससे तुम पोछा लगाती हो, उससे तुम पोछा लगाती हो। कल मैंने ही पोछा लगाया, पानी नीचे गिर गया था, मैंने पोछा लगाया था उससे। इधर आके बात करो ना, क्या फेस टू फेस बात करो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ तुम। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, हैं? तुम दोनों टॉवल को डाल दो, हैं? तुम दोनों टॉवल को डाल दो, हैं? नहाने के लिए, धोने के लिए। और जब मुझे नहाना पड़ेगा तो मैं गीले टॉवल से पोछूंगा अपने आप को। हाँ। तुम्हें पता ठंड चल रही है, तक गंदा फीलिंग होता है ना कपड़े धोने, तो एक छोड़ दो, मैं कल धो दूंगा। नहीं, ये इससे मेरा कुछ नहीं होगा, इससे कुछ पूछेगा ही नहीं। तुमने अलग ही जैना हराम किया हुआ है मेरा। तुम ना गोबर खा लो, तुम 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 खा लो। आज ऑन कैमरा फाइट होगी, फिर से फाइट होगी ऑन कैमरा। ऐसे कैसे मारोगी? थंबनेल क्या कहना चाहती हो तुम? पागल लड़की, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं पहुंचना होता, बहुत कुछ पहुंचना होता है। तुम्हें मर्दों की कहानी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, अब तुम्हारी शादी हो गई है। क्या अंडरवियर से क्या करूं मैं? अंडरवियर से पोछू खुद को? हे राम, एक टॉवल तुम रहने दोगी मेरे को? एक टॉवल से नहाना है, मैं टॉवल से नहीं मतलब पानी से नहाना है, मुझे टॉवल से पोछना है। पकड़ो इसको, पकड़ो, धो लो इसको, इसको छोड़ दो, कोई एक टॉवल रहेगा बाथरूम में। इधर आके बात करो, जब तुमने धोना ही था तो पूछना क्यों है? अब ये टॉवल, ये वाला टॉवल मेरी कमर पे आएगा भी नहीं पूरा, मैं बाहर निकलूंगा तो नंगा निकलना पड़ेगा मुझे। तुमने मेरा जैन आराम किया हुआ है, आई नीड रिप्लेसमेंट, रिफंड, टोटल रिफंड। और आपकी भाभी जी फिर से बाइक निकालते हुए, अभी कैसे निकालोगी बाइक? लो, और अगर अभी भी निकले ना, लानत है तुम पे। क्या सुंदर सी धूप है यार, विटामिन सी डी, विटामिन डी मिलते हुए मेरे फेस को। हाँ। सारे तुम्हें सोसाइटी में ऐसे देख रहे ना कि ये लड़की बाइक क्यों चला रही है। अरे नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं है, लड़की भी चला रही है। अच्छा, मतलब इनके अकॉर्डिंग लड़कियों को चलाना अलाउड नहीं है बाइक। अच्छा गाइस, बाय द वे हमको सोसाइटी में तो हेलमेट हेलमेट के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मत देना। देखो सोसाइटी में, देखो प्रूफ प्रूफ। अभी हम लोग जा कितने रहे? उनके लिए हम बिस्किट्स लेने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे बिस्किट्स तो नहीं, दूध अंडे, क्योंकि हम उनको रेगुलरली खिलाते हैं। मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो यहाँ हुआ करते थे, कहाँ गए सारे पपीज? नाउ हाउ डू आई फीड देम? कहाँ है ये लोग? ओए 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 ओए, क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं लगा। एक बार रोती हुई शक्ल दिखाना। बुबु थंबनेल मिल गया, थंबनेल मिल गया। आई लव यू मोर नाउ। ये तो वही वाली बात होगी, कैमरा अगर बाहर है। हे गाइस, टुडे आई सॉ अ एक्सीडेंट वेयर माय वाइफ हैज फॉलन डाउन। वैसे तो उठाने में मैं हेल्प कर दूंगा, बट आज मेरी बीवी दिखाएगी अपनी पावर। ओ तेरी, ओ हो, हल्के में तो लिया है मैंने तुम्हें, इतने जर्मन सुप्लेक्सेस पड़े हैं तुम्हें। बाय द वे हमारे पपीज 1 2 दिख चुके हैं। गिरी कैसे? पत्थर अड़ गया और डिस्टेंस टाइम नहीं लगा था, ठीक है बुबू, नेक्स्ट टाइम बाइक जब मुझे नहीं सुनना। तो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड आवर दिस शॉर्ट पर्टिकुलर व्लॉग, एंड इफ यू डिड यू नो द ड्रिल, क्या करना चाहिए बता भी दो। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाए बिना मत जाना, शेयर भी जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। विद दैट सेड, बाय, खुदा हाफिज़, अलविदा, टेक केयर, लव योरसेल्फ, लव मदर अर्थ, रिस्पेक्ट, पीस, पीस।